चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 138 नंबर सेट और इसमें देखते हैं अब क्वेश्चन क्या क्या है अब आ रहा है ना जी हेलो चलिए शुरू करते हैं अब हो गया क्वेश्चन है पहला एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर सके अब यहाँ पर अनुक्रम को हमको पूरा करवाना है और चलिए देखते हैं सीरीज में यहाँ पर क्या क्या आता है तो देख रहे हैं बाबू प्लस हो गया ट्वेंटी फाइव और यहाँ पर हो गया प्लस कितना फिफ्टी प्लस सेवेंटी फाइव अगला में क्या एक सौ कि हो जाएगा तीन सौ छत्तीस ऑप्शन हो जाए सॉरी तीन सौ छब्बीस ऑप्शन हो जाएगा इसका तीन नंबर ऑप्शन तीन सौ छब्बीस सी ऑप्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर वन के बाद है टू लिख रहा है क्या इसमें ध्यान से देखिए नीचे दिए गए को अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए चलिए निश्चित रूप से कौन लागू होता है उसी पाठक्रम के दूसरे विषय के मुकाबले राजनीति विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बहुत कम है दूसरे विषय के मुकाबले कहाँ गए थे जी आप पटने में था सबका लिंक मंगवाता था गर्मी ज्यादा लगता है वो देखो वो बोला कि हम वैसा इंजन में बैठेंगे जिसमें एसी सी नहीं होगा और जिस दिन बैठेंगे उस दिन अगर एसी रहेगा तो एसी बंद करवा देंगे सोचो तो नहीं अब रेल इंजन में सी लगने लगा है तो इसको अगर मजाक लग रहा है उसी पाठ्यक्रम के दूसरे विषय के मुकाबले राजनीति विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बहुत कम है राजनीति विज्ञान में परसेंटेज क्या है कम है क्या चीज का पढ़ने उत्तीर्ण होने का पास करने वाले का अन्य विषय के कंपेरिजन में जिन छात्रों ने इस विषय में प्रवेश लिया था उन्होंने इससे पहले राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन नहीं किया था भाई इससे पहले राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन कीजिए नहीं कीजिए उससे क्या फर्क पड़ता है आप अगर पढ़िएगा तो बेसिक से पढ़िएगा ही पढ़िएगा उसमें ठीक है तो अब है निष्कर्ष एक लेकिन यहां जो लिखा है कि जिन छात्रों ने विषय में प्रवेश लिया था उन्होंने इससे पहले राजनीतिक विज्ञान अध्ययन नहीं किया था तो हो सकता हो सकता है यह भी एक कारण रहा हो ठीक है तो नंबर एक परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने के लिए विषय का बुनियादी ज्ञान अच्छा सॉरी परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने के लिए विषय का बुनियादी ज्ञान छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है हाँ जी अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर गाट काट कह दिए बाबू बोल गलत बात रहा ना ये ये बोल रहा है कि परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने के लिए अच्छा परिणाम लाने के लिए बहुत सारा उपाय है ना एक तो पढ़ना ही उपाय थोड़ी है क्या रियलिटी बोल रहा है कहां पर बोला पढ़ लेते एक बार फिर से हम भी उसी पाठ्यक्रम के दूसरे विषय के मुकाबले राजनीति विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बहुत कम है पहला बात कि मान लीजिए कि और हिस्ट्री में पास कर जाता है बढ़िया नंबर से ज्योग्राफी में बढ़िया नंबर से सोशोलॉजी में साइकोलॉजी में इधर उधर बहुत बढ़िया सब में पास कर जाता है होम विज्ञान में भी पास कर जाता है न जी आपका ग्रेजुएशन पेपर क्या है ज्योग्राफी है तो वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर तो अलग अलग विषय में पास करता है ज्योग्राफी में इसको बढ़िया नंबर मिला होगा क्या उसमें प्रैक्टिकल भी होता है अब यहाँ सिचुएशन है कि राजनीति विज्ञान में अच्छा परसेंटेज नहीं मिलता है अच्छा परसेंटेज नहीं मिलता देखिए क्या लिखा है उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बहुत ही कम है पास करने वाला का संख्या क्या है कम है इसका सीधा असर है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं यही ना पढ़ नहीं रहे यहां पर क्या जिन छात्रों ने इस विषय में प्रवेश लिया था उन्होंने इससे पहले राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया था मतलब अभी ग्रेजुएशन कर रहा है या जो भी चीज कर रहा है कि उसमें उससे पहले वो राजनीति विज्ञान को अच्छे से नहीं पढ़ा था या अध्ययन नहीं किया था पढ़ा ही नहीं था अभी राजनीति विज्ञान लेकर के वो फंस गया है कुछ ऐसा ही सिचुएशन तो इसमें बाबू परीक्षा पास करना परिणाम लाने का बात कहा एग्जाम तो आप बहुत तरीके से पास करते हैं बहुत तरीका है एग्जाम पास करने के लिए अच्छे नंबर से भी पास कर सकते हैं आप एग्ज़ाम पास करना और ज्ञान होना दोनों अलग अलग बात है भले आप रूबी राय हो जाइए वो अलग बात है इंटर में फर्स्ट टॉपर हो जाइए और उसके बाद ढिंडोरा पीट दीजिए कि हमको आई बनना है सब सब्जेक्ट का नाम नहीं आए ऐसा आई एस बनना है सोचोगे बाबू जी उधरों सेटिंग लगाइए देंगे बीपीएससी में इस बार होवे नहीं किया है तो परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने के लिए विषय का बुनियादी ज्ञान छात्र के लिए महत्वपूर्ण होता है सही की गलत अब किसको सही लग रहा है जी किसको बोलिए हाँ बोलिए हाँ बोलिए अच्छा नंबर से पास करने के लिए पढ़ना जरूरी है या ज्ञान के लिए पढ़ना जरूरी है पहले साफ साफ क्लियर कर दो फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ना जरूरी है या ज्ञान के लिए पढ़ना जरूरी है कभी नहीं अच्छा रिजल्ट आप अलग अलग तरीके से प्राप्त कर सकते हैं आप वही तो हम भी कह रहे हैं ज्ञान रहेगा तो घासो काटेगा तो घास काटने में मन लगेगा सही बोलते हैं गलत नहीं बोलते घास काटने का सेंस है बाबू आप जाइए खेती करिए देखिए अगर आप पढ़े लिखे किसान हैं आपके खेती के उपजाव में और दूसरे जो पढ़े लिखे नहीं किसान है उसके उपजाव में आपको पता चल जाएगा ठीक है सबका तरीका होता है वो भी खेती कर रहा है वो भी खती खेती कर रहा है पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो किसान है वो भर दिन कितनों लुंगी गमछी गंजी पहन करके रह जाए शाम में जब वो चौक पर जाएगा तो फुल पैंट शर्ट पहन के जाएगा हमारा गाँव का पढ़ल लिखल किसान तो यही करता है हम जो देखते हैं ठीक है और जो पढ़े लिखे किसान नहीं है वो दिन रात हमको लगता है कि ये अभी खेत में से ही निकल के आया है दिनों में रातों में हमको इसने स्टाइल इस में नजर आते हैं असर कैसे नहीं पड़ता है ज्ञान का लेकिन एग्जाम का ज्ञान से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता है ठीक है आगे बढ़िए राजनीति विज्ञान एक सामान्य विषय है और छात्र बिना किसी समस्या के इसका अध्ययन कर सकते हैं तो बिना किसी समस्या के अगर इसका अध्ययन कर सकते तो फिर अच्छा नंबर से पास का ही नहीं कर रहा है इसीलिए दोनों का दोनों क्या है गलत किसी को कुछ बोलना है तो अभी भी बोल सकते हैं आगे बढ़ें चलिए अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार एक अप्रैल दिन बाबू बुधवार उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख तो सप्ताह का कौन सा दिन था तो सबसे पहला सिचुएशन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर बारह का स्क्वायर एक सौ चौवालीस पांच का स्क्वायर जीरो पच्चीस छ का स्क्वायर जीरो छत्तीस शुरू में बारह का स्क्वायर लास्ट में बारह का स्क्वायर प्लस दो यानी कि एक सौ छियालीस जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाएगा किस में तो लीप वर्ष वाले में लीप वर्ष वाले में जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है हो गया अब आइए यहाँ पर अप्रैल महीना का कोड बताइए कितना अप्रैल महीना का कोड जीरो और मई का कितना दो एक और एक खत्म जीरो में और जीरो में क्या करिएगा जो दो प्राप्त होगा प्लस दो करेंगे बुधवार में दो दिन दिए बृहस्पति शुक्र हमारे क्वेश्चन का आंसर शुक्रवार ऑप्शन दो नंबर जिसको समझ में नहीं आया हो या जिसको कुछ बोलना हो आराम से बोल सकते हैं आगे बढ़ जाए तीन नंबर बताने के बाद प्रॉब्लम हुआ तीन अभी बता दें आप रिलेट से तो भी किए वो तो हम भी देखे हैं एक नंबर जब डिस्कस कर रहे थे तभी आप इंट्री किए थे अब सबसे लास्ट में फिर चार बता खत्म करेंगे तब तीन वाला मत तो बोलिएगा ठीक है तीन में दिक्कत है अभी बोल लीजिए बारह है नौ है वाट है छत्तीस है एक सौ आठ है बहत्तर है नौ नौ और आठ है बनाए हैं रुको न जी थोड़ा सा हमरुद सोचने दो नौ और आठ बराबर बीच में बहत्तर बीच में बहत्तर नौ और बारह बीच में एक सौ आठ नौ दस सॉरी नौ गुना चार बीच में छत्तीस अब बोलिए अब क्या कौन बोल रहे थे अच्छा यही बोल रहे थे अच्छा इसीलिए इससे पहले वाला हम आवाज नहीं निकल रहा था नहीं बना होगा मिटा दें इसको अगला सवाल एक लड़का एक लड़की से कहता है आपके पिता की पत्नी मतलब आपकी मां मेरे नानी की एकलौती बेटी है नानी की एकलौती बेटी मतलब मां यानी कि आपकी माँ मेरी मां है तो दोनों लड़का लड़की भाई बहन लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है लड़का लड़की से जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं मतलब लड़की आंसर नहीं होगी आंसर क्या होगा बहा भाई ऑप्शन एक नंबर किसी को डाउट इसमें चलिए आगे, आगे बढ़िए पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन है और पेपर को मोर करके काट दीजिए कहानी खत्म चलिए जी सबसे पहला एक बात तो फाइनल हो चुका है कि सर्कल बनेगा यहां पर और जब सर्कल बनेगा यहां पर देखिए तो बन रहा सर्कल यहां पर सही होगा बन रहा यहीं पर सही होगा और बीच में कहां से आ जाएगा है हाँ? क्लियर है आगे बढ़े बारह बजे दोपहर से पूर्व कितने मिनट होते यदि नौ मिनट पहले सुबह दस बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था हां? क्या बात है जी हम पहले पानी उनी पी के तैयार रहते हैं बारह दोपहर से पूर्व कितने मिनट होते यदि नौ मिनट पहले वाले पहले सुबह दस बजे के बाद उतने मिनट थे उसका दोगुना होता ठीक है हैं बारह बजे दोपहर से पूर्व कितने मिनट होते यदि नौ मिनट पहले सुबह नौ मिनट पहले नौ मिनट पहले सुबह दस बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था नौ मिनट पहले सुबह दस बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था बारह बजे दोपहर से पूर्व कितने मिनट होते यदि नौ मिनट पहले सुबह नौ मिनट पहले सुबह दस बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना होता यानी कि नौ मिनट नौ मिनट अठारह छत्तीस सैतीस अड़तीस क्या वही देख रहे हैं बाबू रुकिए ना रुकिए ना जी बनाते रहें छोड़ेंगे काहे बारह बजे से पूर्व बारह बजे से पूर्व कितने मिनट होते हैं बारह बजे से पूर्व बारह बजे दोपहर से पूर्व कितने मिनट होते यदि नौ मिनट पहले सुबह दस बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था नौ मिनट पहले सुबह दस बजे के बाद जितना मिनट थे उसका दोगुना बारह बजे में से तेईस मिनट हटाइए कितना हो जाएगा ग्यारह बज के सैंतीस मिनट और नौ मिनट पहले ग्यारह बज के सैंतीस मिनट में से नौ मिनट घटा दिए तो हो जाएगा ग्यारह बज के कितना मिनट अट्ठाईस मिनट नौ मिनट पहले सुबह दस बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था ग्यारह बज करके अट्ठाईस मिनट में से सुबह दस बजे को घटाइए एक घंटा 28 मिनट हुआ और एक घंटा अट्ठाईस मिनट का मतलब कितना हो जाता है साठ और अट्ठाईस अट्ठासी ना, अट्ठासी का भागा दो कितना चौवालीस यहाँ चौवालिस तेईस तो बाईस होता तो हो जाता देखिए क्या हुआ है ऐसे तो ये वाला आंसर सही नहीं है यानी कि तेईस मिनट सही नहीं है रुक जाइए कर देते हैं अगर सैंतीस मिनट को लेते हैं ताकि आंसर तो इसी का टिक किए हुए हम बारह बजे में से सैंतीस मिनट घटाए तो कितना हो गया ग्यारह बज के तेईस मिनट ये जी और ग्यारह बज करके तेईस मिनट से नौ मिनट पहले तो यानी कि ग्यारह बज के कितना मिनट चौदह मिनट और ग्यारह बज के चौदह मिनट में से घटा देना है किसको 10 दस बजे को पहले बना लेने जिसके बाद समझाएँगे हो गया कितना चौदह मिनट सॉरी एक घंटा चौदह मिनट ना एक घंटा चौदह मिनट मतलब चौहत्तर मिनट सेवेंटी फोर का भागा दो सैतीस सही है देखिए क्या हुआ है? बारह बजे से पूर्व कितने मिनट होते बारह बजे दोपहर से पहले कितने मिनट होते ग्यारह तेईस होते है? ठीक है बारह बजे से पूर्व कितने मिनट होते सैंतीस मिनट ग्यारह तेईस कितने मिनट होते यदि नौ मिनट पहले यदि नौ मिनट पहले सुबह दस बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था नौ मिनट पहले यानी कि ग्यारह बज के चौदह मिनट और दस बजे का अंतर का मामला क्या था दोगुना वाला था किसका तो इसका नहीं समझ में आया एक बार फिर से यहां से देखिए नौ मिनट पहले सुबह दस बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था नौ मिनट पहले कोई समय हो रहा था नौ मिनट पहले कोई समय हो रहा था और वह समय जो था ना वो दस बजे से अभी तक के समय का दो गुना है मतलब जो भी टाइम है वो इसका दो गुना है किसका तो बारह बजे दोपहर के पहले वाला समय का दोगुना है तो ग्यारह अगर नौ मिनट पहले हम तेईस ग्यारह तेईस में से नौ मिनट घटाते हैं तो कितना होता है ग्यारह चौदह और ग्यारह चौदह का समय और दस बजे के बीच का समय चौहत्तर मिनट का और ये जो चौहत्तर मिनट है वो बारह बजे से कितने मिनट पूर्व होते जो उसका आधा है तो चौहत्तर मिनट का आधा क्या है तो सैंतीस मिनट ये आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं क्या क्या सैंतीस पहले घटाए क्योंकि हम ऑप्शन से बनाए हाँ पहले इसीलिए हम आप ही लोग का जवाब देने के लिए हम सबसे पहले तेईस मिनट करके देख लिए थे तेईस मिनट चौवालीस मिनट तो 44 मिनट तो का आधा तो बाईस मिनट ना मिनट नहीं ना क्लियर है या अभी भी डाउट चल रहा है क्या लगाए थे नौ मिनट पहले दस बजे ऐसा कहां कह रहा है यदि दस नौ मिनट पहले सुबह दस बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था अभी के समय से नौ मिनट पहले नहीं नहीं आप तो समझिए ना क्या लिख रहा है अभी के समय से नौ मिनट पहले जो भी समय था सुबह दस बजे के बाद जितने मिनट थे उसका दोगुना था अभी के समय से नौ मिनट पहले जितना समय है ना और दस बजे के बाद जितना मिनट हुआ यानी कि उस दोनों के बीच का टाइमिंग वो जो उसका क्या है उस संख्या का क्या है दो गुना किस संख्या का तो बारह बजे से जितना मिनट ऊपर पहले है उस संख्या का दस नौ दस और बारह हाँ दस बज करके नौ मिनट लिए बारह बज रहा है एक सौ ग्यारह मिनट उसको क्या किए तीन से डिवाइड कर दिए हाँ सैंतीस का दोगुना हो गया ये हो सकता वैसे भी बनता होता ठीक है आगे बढ़ें या इसमें अभी और किसी को कुछ बोलना है चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चीज का क्वेश्चन हमको अपने ध्यान में नहीं दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं कितना त्रिभुज है एक दो और तो नहीं है यहां पर तो दो गो यहां पर दो गो यहां पर चार दो गो यहां पर छो यहां पर आठ इसके बाद एक रेखा दो रेखा तीन रेखा चार रेखा तो चार गुना दो कितना आठ उसके बाद ये तीन हुआ और ये तीन हुआ छ कितना बाजे आठ आठ सोलह और छह बाईस ऑप्शन एक नंबर क्या चौबीस लगाते क्या आप लोग वैसे हुआ है ऐसे नहीं किसी दूसरे तरीके से हुआ है तो क्या ये वाला ये वाला वाला गिनती नहीं हुआ यहाँ पे दो नहीं बोले तो दो दो चार दो छः दो आठ आठ ठीक है अगला सवाल 2016 में भारत का स्वतंत्रता दिवस रविवार को था अशोक का जन्म 27 सितंबर को हुआ और रोहित का जन्म उसके चार दिन बाद आता है 2016 में रोहित का जन्म किस दिन पड़ेगा 2016 में भारत का स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2016 रविवार के दिन अशोक का जन्म सत्ताईस सितंबर को हुआ सत्ताईस सितंबर दो हजार सोलह खत्म दो हजार सोलह दो हजार सोलह खत्म अगस्त का कोड कितना सितंबर का कोड पंद्रह में पंद्रह में क्या करिएगा जो सत्ताईस प्राप्त होगा प्लस बारह तीन में क्या करिएगा जो छह प्राप्त होगा प्लस तीन बारह और तीन पंद्रह में सात से भागा दिए एक से फल रविवार में एक दिन जोड़ दीजिए सोमवार या किसका निकला ये निकला रोहित का जन्म नहीं अशोक का जन्म अशोक का जन्म ये निकला अशोक का जन्म अब क्या है ए, चुप। रोहित का जन्म उसके चार दिन बाद आता है यानी कि सोमवार में चार दिन जोड़ दीजिए मंगल बुध बृहस्पति शुक्र तो 2016 में कब शुक्रवार तो को 16 तारीख चार नंबर ऑप्शन इसको कहा जी बीच में बोलते रहते हैं आ देखिए एक तो फिल्म हम देखे थे आलू अर्जुन का और हसन है उसमें हीरोइन ठीक है लक्की द रेसर नाम है फिल्म का उसमें श्रुति हसन मन में ही खूब डरती है मन में खूब हंसती है मन में खूब बोलती है खूब जोर से चिल्लाती है समझ आया कुछ हाँ आगे बढ़े आज आ देखिए लेना लकी द रेसर बोलते रहे हैं हाँ हाँ आज जाना साथी में कल आ रहे हैं बाबा निराला जी नहीं पता है खाली तो कल तो वेब सीरीज ही चलेगा आप मिटा दें इसको जत नाम अच्छा जप नाम मिटा दे जी अगला सवाल दस नंबर एक ऊट भाषा में निम्नलिखित नियम लागू होते हैं एक स्वर के तुरंत पहले या तुरंत बाद में एक व्यंजन को उस स्वर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा एक स्वर को तुरंत बाद या तुरंत पहले या तुरंत बाद में एक व्यंजन को उस स्वर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा यानी कि भौवेल ये भौवेल है और भौवेल के जगह पर क्या रहेगा कुछ भी रहेगा लेकिन वो स्वर नहीं रहेगा गलत गलत सही पर ना जी किसी स्वर को उसके बाद आने वाले व्यंजन से प्रतिस्थापित किया जाएगा तब तो और सही के बाद एफ क्या बनाया अब हम एक ठो से नहीं समझ माया प्रतिस्थापित का मतलब होता है एक्सचेंज करना मतलब उसको हटा करके उसके जगह उसको रख देना इसको कहते हैं प्रत्यास्थापित करना ठीक है और बोलिए क्या कोई बात है, कोई बात है। हम फिर से बता देते हैं किसी स्वर को उसके बाद आने वाले व्यंजन से प्रतिस्थापित किया जाएगा यानी कि यदि कोई भोबेल है उस भौबेल को उसके बाद आने वाले कॉन्सोनेंट से चेंज कर देना है यानी कि ई के जगह पर एफ लिख देना है अब ठीक है ऊपर वाला बाद में देख लेंगे यहाँ तक ठीक है तो चलिए यहाँ तक जब ठीक है तो हम लोग बात कर ले थोड़ा ई एफ सही यहां तक में कोई डाउट इसमें दो नंबर में किसी को डाउट दो नंबर खाली हम पढ़ के बनाए कोई डाउट जानता है बात क्या है बात है जो चीज इजी है ना उसको झूठ मूठ का टफ बना रहा और कुछ नहीं कर रहा है समझ में आया यहाँ क्या इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है पढ़िए इसको पहले पढ़िए दूसरा क्या, तो तो क्या, क्या लिखा हुआ है? ऊपरे में हम काट दिया ऊपरे में नहीं है पहले को तो समझा नहीं है दूसरा में दिमाग लगा रहा है पहले एक तो दूसरा नंबर पहले समझ लो पहला नंबर बाद में समझा देंगे पहले पहला समझाए थे दूसरा बाद में समझाए कोई तो एक तो पहले क्लियर कर लो ये क्या लिखा हुआ यहाँ पे हो गया और पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है थोड़ा जोर से पढ़िए प्रतिस्थापित का मतलब समझते हैं हाँ एक्सचेंज किया जाएगा और स्वर का मतलब समझते हैं और व्यंजन का मतलब समझते हैं तो ई क्या है ई स्वर है कि भवेल है तो इसके जगह पर क्या लिखना है कॉन्सोनेंट क्या उसके बाद आने वाला ना? तो ई के बाद जेड आता है कि एन एफ आएगा तब हम तभी से उर्दू लगा रहे थे यहां पर रहो नहीं जानते अब अभी यहां तक समझ में आया यहां तक में कोई डाउट अब आप बोल लीजिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आए हाँ स्वर को उसके बाद आने वाले व्यंजन से स्वर और स्वर को किस से उसके बाद आने वाले व्यंजन से अगर मान लीजिए थोड़ा सा आप ही का कहना मान लें कि ई के बाद वाला भी से तो किस ऑप्शन में बाबू भी लिखा हुआ दो नंबर पर हमरा पहले अब यही बता दीजिए नहीं काहे लोग कहिएगा तब वो आप देखिएगा ना किस जगह पे भी लिखा हुआ है हम तभी से बार बार करें इजी चीज को आप लोग टफ मत बनाइए झूठ मूठ का आप लोग लेकिन नहीं हम टफ बनाएंगे ही बनाएंगे और इस दो नंबर में से और किसी को प्रॉब्लम है एक नंबर को कुछ नहीं बोले अभी हम अब दो एक नंबर एक स्वर के तुरंत पहले या तुरंत बाद में एक व्यंजन को उस स्वर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा एक स्वर के तुरंत पहले या तुरंत बाद में एक व्यंजन को उस स्वर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा यानी कि जो भोवेल है भोवेल के तुरंत पहले वाला अक्षर या तुरंत बाद वाला अक्षर जो व्यंजन है उसको वहां पर लिख देना है इसके हिसाब से आप यहां पर डी भी लिख सकते हैं और एफ भी लिख सकते हैं तुरंत पहले डी तुरंत बाद एफ डी वाला ऑप्शन तो कहीं है नहीं सिर्फ और सिर्फ एफ वाला ऑप्शन है कहानी यहीं खत्म हो गया ठीक है चलिए आगे पहला लाइन से भी अकेला से आंसर दे रहा था ये जिस प्रकार का ऑप्शन है और दूसरा नंबर से भी अकेला दे रहा था आंसर कौन सा भिन्न है सब में सिर्फ स्टेट लाइन और ये बाबू कर्व लाइन है ठीक है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो नंबर क्लियर आगे बढ़िए कौन सी संख्या सर्वथा भिन्न है कौन सा संख्या जो है भिन्न है ये आपको बताना है तो देखिए नौ गुने छ बराबर चौवन आठ गुने चार बराबर बत्तीस तीन गुना छ बराबर अठारह और नौ गुना सात बराबर तिरसठ ऑप्शन कौन सा तीन नंबर बादल फटने के कारण बेजोर वर्षा नदी तटबंधन तोड़ती हुई बाहर निकली और, और बहुत से गांवों में बाढ़ आ गया क्या हुआ बादल फटने का बादल फटने का कारण समझते हैं आप लोग क्या बादल कहीं क्रैक किया होगा खूब सारा पानी वही गिर गया होगा उसको बादल फटना कहते जैसे कि मान लीजिए एक ड्राम पानी कहीं पर गिरा दीजिए ऐसा ही स्टाइल में कुछ हुआ होगा बादल फटना इसी को कहते हैं बहुत बढ़िया तू तो लोग तो जीके जी इसके बर्बाद कर दिया क्या ज्योग्राफी वाले मास्टर साहब बोलिए बहुत अत्यधिक मूसलाधार बारिश और उसका एक तो तापमान मापन माँप, है का जी यहां तक मापेंगे तो डेंजर अवस्था यहाँ तक चला जाएगा तो इसको कहेंगे बादल फटने वाला अवस्था लगता है कि बादल फट गया है वो तो बादल फटता उठता कुछ नहीं है ऐसे नहीं कि सट फाड़ दिए हैं वैसे बादल फट गया ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है वो पानी का जो गिरने का स्पीड है ठीक है पानी बारिश जिस हिसाब से हो रहा है जितना हो रहा है वो सब चीज जो मापा जाता उसके हिसाब से कहा जाता बादल फटा है। बादल फटने के कारण बेजोर वर्षा नदी तटबंधन तोड़ती हुई बाहर निकली और बहुत से गांव में बाढ़ आ गए तो तटबंधन अनुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार बाढ़ नियंत्रण विभाग के इंजीनियरों को तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए सबसे पहला सिचुएशन है कि जिम्मेदार इंजीनियर को तुरंत निलंबित कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें कर दीजिए आप तो वहां पर फिर बहालो तो करिएगा अमेरिका से तुरंत ले आइएगा वहां पर तत्काल निलंबित के जगह पर बीच बचाव करना बचाव करना राहत पहुंचाना ये कार्य पहले जरूरी है ना कि निलंबन करना पहले जरूरी है अब मान लीजिए हमारा भाई उधर सहरसा में मधेपुरा में बांध टूट गया किशनगंज में और सबको निलंबित कर दिया पटना वाला अब जाएगा वो पहले पहुंचेगा जगह पर तुरंत सोफा लगवा देते रुको समझिए पहुंचेगा जगह पर कि जो उस बांध के आसपास रहेगा उसी इंजीनियर से कार्य करवाना है निलंबन कर दो हाँ गैर जिम्मेदाराना हरकत हुआ है ये बात हम मान सकते हैं लेकिन ये प्राकृतिक आपदा वाला सिचुएशन है और आपदा वाले में कोई निलंबन वाला क्रियाकलाप नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री अब मान लीजिए मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा है भले उस दिन उसमें मुख्यमंत्री साहब नहीं बैठे हुए हो अलग बात है अब भूकंप आ गया ऐसा आया ऐसा आया कि गाड़ी पे गाड़ी बजरने लगा मुख्यमंत्री साहब नहीं है उसमें बैठे हुए काफिले खाली जा रहा था तो तब ठीक कहे है अब उसमें क्या कहिएगा नहीं ड्राइवर का गलती है वो भूकंप में गाड़ी बढ़िया से नहीं चलाया ड्राइवर को निलंबित करो मुख्यमंत्री अरे वाह मुख्यमंत्री का नाम लें मुख्यमंत्री आ गए मुख्यमंत्री द्वारा वायुयान से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का तुरंत सर्वे किया जाना चाहिए काहे गलत है जी जनप्रतिनिधि देखने नहीं जाएगा तो कौन देखने जाएगा मुकेश अंबानी तुरंत सर्वे नहीं होता तो क्या होता तुरंत कहाँ जल जमा है कौन है नहीं है देश का राज्य के प्रधान राज नहीं देखेगा तो कौन देखेगा दूसरा कोई मुख्यमंत्री देखें उदोला पर उड़ रहे होते हैं नहीं पता है आप यो तीन चार दिन पहले ककोलत से घूम करके आए हैं कि नहीं वे होंगे झरना में भले फोटो नहीं दिखाया अलग बात है हाँ मुख्यमंत्री द्वारा वायुयान से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का तुरंत सर्वे किया जाना चाहिए किस इलाका हाँ जी हाँ जी मतलब तू चाहता क्या पहले ही बताओ तुरंत का मतलब क्या उधर बांध उधर चूहा बांध खुद रहा था इधर ही हेलीकॉप्टर पर बैठ रहे थे आ तो कहा चल जाए ब्रिटेन हनीमून घुमाने के लिए पहले ही बताओ बिहार आप हाँ में आपदा लेगा हम अपना विदेश में घूमेंगे यही चाहता है वही तो हम भी कह रहे हैं आपका जानकारी काय रहेगा पूरा न्यूज में इधर उधर छाया हुआ है अपना विदेश भ्रमण में लगल है और कोई डाउट इसमें समझ में आने वाला समझ में आ रहा होगा मुख्यमंत्री द्वारा वायुवान से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का तुरंत सर्वे किया जाना चाहिए बात ये बाबू बिल्कुल सही है क्योंकि जब तक सर्वे नहीं होगा मुख्यमंत्री जी अपना आंख से देखेंगे नहीं तब तक उनको सिग्नेचर करने में ना बड़ा जंग लगा ले हाथ में ठीक है वो पैसा कहां से था इकोनॉमिक्स के मास्टर नहीं हम पर इधर हमरा ज्यादा बाढ़ के पीड़ित आदमी हम है बाबू ठीक है मुंह ना ज्यादा खुलवाओ। देखिए क्या होता है बहुत से जटिल ऑर्गेनिक यौगिक जिन्हें फाइटोकेमिकल कहा जाता है जो फल और सब्जियों में पाए जाते हैं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कुछ दवा कंपनियां इन फाटोकेमिकल को महंगी गोली के रूप में पैक करके बेच रही इन गोलियों के प्रभाव क्षमता संदेहास्पद देखिए जैसे कि मोटापा घटाए मोटापा घटाए मोटापा घटाए गोली ऐसे ऐसे करके बेच रहे हैं ठीक है घट तो जाता है मोटापा लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी नुकसानदेह बीमारियां और नुकसान करने वाला चीज भी आपको थमा जाता है जैसे कि शरीर तो जब फैला तब तो बाबू आपका चमड़ा भी फैला स्किन अब वो जब घटा ना तो स्किन वहीं का वहीं रह गया शरीर तो घट गया स्किन नहीं घट पाया तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसकी खामियां हैं ठीक है ठीके? सर मुकेश अंबानी का बेटा कैसे मोटका का पतला हो गया मुकेश अंबानी का बेटा है, है अगर बाबूजी जी के पास उतना पैसा है तो तू भी हो सकता है तब क्या दिक्कत है वो तो, तो शाहरुख खान को नचवा सकता है, है? तब यहां पे। बहुत से जटिल ऑर्गेनिक यौगिक जिन्हें फाइटोकेमिकल का कहा जाता है जो फल और सब्जियों में पाए जाते हैं वे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है तो चलिए देखते हैं लोगों को उनके भोजन में नियमित रूप से फल और सब्जियों को शामिल करने के लाभों के बारे में जागरूक करना चाहिए तो सही बोला कि गलत सही फाइटोकेमिकल वाली महंगी दवाओं की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए सबसे पहला चीज संदेहास्पद बोला है तो संदेहास्पद चीज है तो उसको जांच न करिएगा कि आप रोके लगा दीजिएगा पहले ये बताइए हमको जांच करिएगा ना संदेह है हमको हमारे तुम पर शंका है कि तुम बदमाश है हमरा जांच करो भाई पता करो कि डायरेक्ट पहले एकदम जेले क्या रोक करके जांच करेगा क्या रोक करके जांच करेगा फैक्ट्री में जाओ दवाई दुकान से दूगो पता खरीदो जाके लैब में जांच कर लो बात खत्म हो गया अगर है तो सील कर दो नहीं है तो खत्म दुकान बंद करके क्या कौन जरूरत है एगो उस दुकान में खाली वही तो दवाई बिक रहा था क्या दुकानें बंद कर दीजिएगा हालांकि पिछले दो दशकों में भारत की जनसंख्या वृद्धि पर कमी सॉरी हालांकि पिछले दो दशकों में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है फिर भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि से इसकी जनसंख्या में वृद्धि अधिक है इसके बावजूद भी जनसंख्या का जो वृद्धि है और रोजगार का जो वृद्धि है उसमें बहुत अंतर है बहुत कमी है रोजगार में फिर भी भविष्य में भारत की जनसंख्या कम होने वाली है ऐसा बात कहाँ बोला कि कम हो रहा है परसेंटेज कम हुआ है ठीक है भारत की बेरोजगारी दर भविष्य में बढ़ने वाली है इस बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे जब जनसंख्या अगर इसी हिसाब से परसेंटेज घटता रहा तो परसेंटेज घटता तो एक समय आएगा कि नॉर्मल स्थिति पर आ सकता है ठीक है आ सकता है बोल रहे हैं। तो वैसी स्थिति में बेरोजगारी दर उस समय में क्या होगा नहीं होगा वो अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता तो दोनों का दोनों क्या होगा गलत ही होगा वे सभी विद्यार्थी जो भारत विरोधी प्रतिवाद में शामिल थे और भगोरे थे उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया सभी विद्यार्थी जो भारत विरोधी प्रतिवाद में शामिल थे ठीक है हमें चाहिए आजादी और भगोरे थे और आजादी आजादी करके जो भाग गया उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया अब देखिए क्या क्या हो रहा है पुलिस द्वारा भारत विरोधी प्रतिवाद के भागीदारों के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है सही की गलत मुकदमा दर्ज किया गया तभी तो उनको गिरफ्तार किया गया है मुकदमा दर्जी नेता क्यों गिरफ्तार करते विश्वविद्यालय प्राधिकारी उन विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने भारत विरोधी प्रतिवाद में भागीदारी की है सही की गलत सही दोनों का दोनों क्या होगा सही होगा कुछ बोलना है तो बोल लीजिए अभी हसलो पहले को बात बताओ हमको जब वो अपराधी की देशद्रोह का मामलान हो गया जी देशद्रोह का मामला तो उसका सर्टिफिकेट कैंसिल होगा कि नहीं होगा पहले हमरा ही बताइए कि डिग्री अनार बाबू तू देशद्रोही है खाली डिग्री ले लो तू हमरा से पहले ही बताइए क्या होगा तो देशद्रोही है फिर भी डिग्री देंगे तुमको बात समझ में आया विश्वविद्यालय भी नेक्शन लेगा तो मतलब कौनची है ये विद्यार्थी है तो का प्रगति पथ के कोचिंग तू विद्यार्थी है ट्यूशन लेने आया है सर्टिफिकेट कोर्स हो रहा है यहाँ पर मिलता है सर्टिफिकेट आप रिजनिंग टेस्ट छह महीना से दे रहे हैं सर्टिफिकेट मिलता है यहाँ पर आ डीसी करिए दो महीना तीन महीना छह महीना का कोर्स का सर्टिफिकेट मिलता है न तो सर्टिफिकेट जो होता है वो आप कहीं भी अटैच कर सकते हैं आप विद्यार्थी इस जगह के लिए नहीं नए हैं आप अपनी कमजोरियों को ठीक करने आए हैं लेकिन सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी तो आप यूनिवर्सिटी के ही हुए जहाँ भी है चाहे आप बिहार बोर्ड के रहिए कि इंटर के रहिए कि मैट्रिक के रहिए जो सर्टिफिकेट देगा उसी उसी का ना विद्यार्थी हुए ऑथेंटिक आप हमारा ऑथेंटिक विद्यार्थी आप थोड़े हैं मिटा दें कल के दिन यदि किसी भी प्रकार के विवाद में आप फंसते हैं तो प्रगति पथ आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है पता है नहीं चीज क्योंकि आप सर्टिफिकेट कोर्स में नहीं है वही चीज जब आप कॉलेज में रहिएगा और आप किसी मामले में फंस जाइएगा तो कॉलेज आपके सर्टिफिकेट पर ब्रेक लगा देगा क्या हम का लगाए ठीक है शोर तंत्र के सौर तंत्र के सभी ग्रह में शुक्र का वायुमंडलीय तापमान उच्चतम है सौर तंत्र के सभी ग्रहों में शुक्र का वायुमंडलीय तापमान क्या है उच्चतम है सबसे अधिक है यह बात इसमें बाबू कहा गया ठीक है तो ग्रहों में शुक्र सूर्य के निकटतम है सही की गलत वायुमंडलीय तापमान उच्चतम है ना जी तो शुक्र हाँ शु... जी बोलिए क्या बोल रहे थे वायुमंडलीय तापमान ना हुआ वायुमंडलीय तापमान को सूर्य के तापमान से क्या मतलब है पृथ्वी का वायुमंडलीय तापमान अलग ना जी तो पृथ्वी के अंदर ना आता वायुमंडल क्या कि वायुमंडल अति क्या होता जी अरे चक्कर जो लगाता क्या कहते परिपथ पे होता है अब ठीक है आगे बढ़िए शुक्र का वायुमंडलीय बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड से बना है जो एक हरित ग्रह हरित गृह गैस है और विकिरण को सोखती है तो इससे उसका तापमान बढ़ेगा और यह बात क्या हो सही होगा गलती होने का रीजन है बाबू सही चीज नहीं सोच पाए वायुमंडल अब, अब ज्योग्राफी जैसे यही ना पढ़ा है यही न बताएगा अब क्या जी वायुमंडल बाबू अंदर की बाहर सुरेश पूछ रहे हैं तुम्हारा गलत हुआ है छोरो तब हम पूछेंगे कुछ कुछ ब्रिटिश फ्रेंच हैं। सच बताते हैं हमारा एगो दोस्त है पढ़ने में मोटा मोटी था कह सकते हैं अंडर टेंथ बढ़िया पढ़ता था वो आया पटना यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहा था एक दिन दोस्त दोस्त गपे गप में पूछ दिए मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि पूछते हैं इसको जानकारी है कि नहीं है नहीं शर्त लगावा बा, लगौवा वाला बात उसी उसी में पूछ दिए थे तो बताओ तो कितना महादेश है अब बोले थे महादेश हम उसको लेकिन वो हमारा एगो दुगो अरब सागर और ये क्या बोलते हैं एशिया महा एशिया नहीं बंगाल की खाड़ी एगो दोगो बोल दिया और, और बात यो हो गया कि हम उसको मोबाइल में रिकॉर्डो कर रहे थे ठीक है तो हम बोले यही होता है चल तोरा भैया को कहते हैं उठम बदरा हो गया मोबाइल छीन करके छीनिए लिया लेकिन वो डिलीट कर दिया वॉइस रिकॉर्डिंग को बताइए इतना गलत बात हुआ है कुछ ब्रिटिश फ्रेंच है सभी फ्रेंच जर्मन है जर्मन है सभी ब्रिटिश जर्मन है सारा का सारा ब्रिटिश जो वो बाबू जर्मन है क्या सभी फ्रेंच ब्रिटिश है सारा का सारा फ्रेंच ब्रिटिश है क्या ठीक <laughs> है <laughs> छह पुलिस वाले एफ जी एच आई जे एम में से तीन पुलिस वालों का समूह चुनना है निम्लिखित नियमों के अनुसार कौन सा पुलिस वाले वालों का सही चुनाव है तो या तो एफ एच दोनों चुने जाएं या तो जी या जे अवश्य चुने जाएं ना तो जे और ना ही एच जी के साथ चुने जाएं ठीक है एफ या एच दोनों चुने जाएं और एच दोनों को चुन सकते हैं एफ और एच दोनों को चुन सकते हैं एफ और एच दोनों को चुन सकते हैं एच चुना है एफ नहीं चुना है ठीक है कोई बात नहीं या तो जी या जे अवश्य चुने जी या जे अवश्य होगा तो जी या जे अवश्य होगा जी या जे अवश्य होगा जी या जे अवश्य होगा जी या जे जी या जे यानी कि दोनों नहीं ना कोई यकीन ना, ये भी गलत इसके बाद ना तो जे और ना ही एच जी के साथ चुने जाएंगे एच को जी से दुश्मनी चल रहा है ऑप्शन तीन नंबर ठीक है चुने हुए पुलिस वालों में कौन सा पुलिस वाला का जोड़ा नहीं हो सकता जोड़ा नहीं हो सकता किसका किसका एफ जी का एफ आई का जी एम का आई एम का जोड़ा नहीं हो सकता किसका जोड़ा नहीं हो सकता चलिए देखते हैं एफ या एच या दोनों एच जी के साथ चुने जाए एच जी के साथ सॉरी जे ना तो जे ना ही एच जी के साथ चुने जाए जी के साथ जे और एच दोनों नहीं जाएगा ठीक है जे जी या जे अवश्य चुने जाए जी या जे अवश्य चुने जाए इसके बाद एफ या एच दोनों चुने जाए या तो एफ या एच दोनों चुने जाए नहीं निकालना था चुने हुए पुलिस वालों में कौन सा पुलिस वाला का जोड़ा नहीं हो सकता है चुने हुए पुलिस वालों का कौन सा पुलिस वालों का जोड़ा नहीं हो सकता है तो इसमें लिख रहा है कि एफ या एच दोनों चुने जाएं। एफ तो चुना जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें एफ चुना जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी या जे अवश्य चुने जाए जी चुना जा रहा अवश्य जी चुना जाए अवश्य जी या जे तो दोनों में से कोई नहीं है इसमें इसके बाद ना तो जे ना ही एच जी के साथ चुने जाए ई वाला तो इधर वा तो, तो चुना जा रहा है का तो कोई कारण ही नहीं ना हो रहा चुनने का ये तीनों का तो कारण हो रहा है किसी ना किसी कारण से चुनने का इसका तो कोई कारण हो ही नहीं रहा चुनने का तो यही होगा कि कौन सा जोड़ा नहीं चुना जा सकता है तो आई और एम का जोरा नहीं चुना जा सकता है यदि एच चुना जाता है तो कौन सा पुलिस वाला अवश्य चुना जाए जाना चाहिए यदि एच चुना जाता है तो, तो एफ जी आई जे लिख रहा है अरे या वहां लिख रहा है या तो एफ या एच या दोनों चुने जाए मतलब एफ रहेगा अकेला चाहे एच रहेगा अकेला या अगर नहीं तो दोनों को लेकर चलो ठीक है अब क्या बोला इसके बाद जी या जे अवश्य चुने जाए और एच को जी के साथ बनता नहीं है तो जी या जे अवश्य चुने जाए तो फिर जी को बनता नहीं है तो हमको तो जे को नहीं चुनना पड़ेगा अवश्य चुना जाए ना ये सब में कंडीशन है चुना है ठीक नहीं चुना है कोई बात नहीं लेकिन जी या जे अवश्य चुना जाना चाहिए तो एच को जी से दिक्कत है तो जे से ही ना होगा यदि जे नहीं चुना जाता है तो चुने हुए पुलिस वालों में कौन सा जोर अवश्य होना चाहिए कोई हो चाहे नहीं हो जे नहीं चुना गया तो जी जरूर होगा और जब जी जरूर होगा तो सबसे पहले जी देखिए किसमें है क्योंकि जी तो अवश्य चुना जाएगा अब क्या बोला जी एफ और जी ए जी और आई तो बोला इसमें एफ या एच एफ तो चुना जे नहीं चुना जाए तो एफ और जी को चुन दीजिए क्या दिक्कत है इसमें आई वाला का कोई कंडीशन नहीं काम कर रहा है ठीक है इसीलिए आई वाला का हम कोई बात नहीं करेंगे हमको तो इजीली एफ और जी चुना गया चलिए देखिए अब क्या है आठ मित्र के एल एनओपी डी एफ सी के एल एन ओ पी डीएफसी विभिन्न स्थान एई जेड e, की तरफ जा रहे एक कार कम से कम दो सवार लोग कम से कम एक महिला बीएमडब्ल्यू है वाह हो गया बाबू कार और ये हो गया स्थान चलिए जे जे हो जाए अब हाँ प्रत्येक कार में कम से कम एक महिला सदस्य है कम से कम एक महिला होगी ही होगी तीन गो कार है तो कम से कम तीन गो महिला होगी ओ एफ के साथ स्थान ए जा रहा है ओ एफ के साथ स्थान ए जा रहा है पर कार एम नहीं है कार एम नहीं है तो कार बी और डब्ल्यू में से कोई एगो होगा बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू के केवल के केवल सी के साथ कार डब्ल्यू में लेकिन स्थान ई की ओर नहीं जा रहा केवल सी के साथ कार डब्ल्यू में केवल सी के साथ कार डब्ल्यू में लेकिन ए की ओर ई की ओर नहीं जा रहा ई की ओर नहीं जा रहा एक ओर जाएगा नहीं तो बचा कौन जेड की ओर जाएगा अब W जब इधर हो गया है तब आप यहां से W हटे न पड़ेगा खत्म अब क्या है देखिए एनओ या P के साथ नहीं है N, N देखिए ये सब टाइप का आदमी जो होता है ना बड़ा खराब होता है ओकरा साथ बैठ जाओ कल हमारा लड़ाई हुआ था हमने बैठे ओकरा साथ ठीक ओकरे से ओकरे साथ बैठ जाओ वो हमको परसों मारा था ना उसके साथ मतलब दोनों दोनों के साथ ही आदमी नहीं बैठेगा एक काम करो तीन गो कार है वो, ये वो बैठने देगा नहीं यही दोनों का साथ में बैठा दो ना तू अकेले चल जाओ क्या जाना तो उसको भी लेके जाना का है परिवार कह सू भी है ठीक है तो यहां लिखा है क्या देखिए एन ओ या पी के साथ नहीं जा नहीं है एन को ओ से भी दिक्कत पी से भी दिक्कत एक काम करिए ओ पी को एक साथ भेज दीजिए क्या कि डब्लू अब किसी को ले जाने के लिए तैयार है नहीं ओ तो पी एक साथ और एन बच गया एन को दूसरे गाड़ी में बी एम डब्लू ना हो तो गया एन ओ या पी के साथ नहीं है या तो डी या एन एक महिला है हटाइए उसको सी एल तथा एफ में से एक साथ कॉलेज में अध्ययनरत है इसको भी हटाइए और कुछ छुटा था क्या जी प्रत्येक कार में कम से कम एक महिला सदस्य ओ एफ के साथ स्थान ए जा रहा है ओ एफ के साथ स्थान ए जा रहा है पर कार एम में नहीं है बहुत अच्छा के केवल सी के साथ कार डब्ल्यू में है लेकिन ई के साथ नहीं ई की ओर नहीं जा रहा एन ओ या पी के साथ नहीं है चलिए ठीक ही है अब प्रत्येक कार में कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए तो लिख रहा है डी या एन एक महिला है या तो डी महिला है या तो एन महिला है डी या तो डी या एन एक महिला है चलिए सी एल तथा एफ में से एक साथ कॉलेज में अध्ययन रतना है सी एल एफ तो सी एल एफ जो भी होगा या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा सी एल और एफ अगर मान लीजिए इस तीनों का स्त्री बना दिया जाए तो बी कार में तो वैसे भी दो गो तीन गो बैठ चुका है यानी कि अभी जब बैठेगा बाबू एम कार में ही बैठेगा तीन गो क्योंकि डब्लू कार में अब किसी को कोई बैठने देगा नहीं और यहाँ पर बी कार वाला यहां आ चुका है ए में तो बी कार वाला ए में बी कार में ए अब बचा कौन ए हो चुका है जेड हो चुका है और कौन बचा जी ई e. अब खाली बच गया बाबू स्त्री और पुरुष क्लियर करना चलिए देखते हैं जहां देखेगा बात वहां करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही, सही है ए बी एन ए बी एन नहीं है सही जेड डब्ल्यू पी जेड डब्ल्यू के सही है डब्लूपी है क्या नहीं है EDB, ईडीबी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन चार नंबर चौबीस नंबर सवाल क्या लिख रहा है चौबीस नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा समूह महिलाओं को निरूपित करता है महिला तो हमने निकाला ही नहीं नहीं जी कौन सा समूह महिलाओं को निरूपित करता है इसका भी आंसर होगा बाबू इनमें से कोई नहीं यानी कि जितना जानकारी है उतना से हमको क्लियर पता नहीं चल पा रहा इसीलिए इसके बाद निम्नलिखित में से किस कार में यात्रा कर रहा है एन किस कार में यात्रा कर रहा है एन कर रहा है एम कार में यात्रा ऑप्शन दो नंबर बोलिए आप सुनिए जी क्या बोला माइक हटा के अच्छा से सी एल एफ सी एल तथा एफ में से एक साथ कॉलेज में अध्ययन रत्न है पुरुष कॉलेज स्त्री कॉलेज किस में सी एल एफ जहां भी जाएगा पुरुष कॉलेज में चला जाएगा मान लीजिए तो फिर कहिएगा ना सर का स्त्री कॉलेज में भी तो जा सकती है इससे मेल फीमेल क्लियर हो रहा आपको लग रहा है थोड़ा तो जोर से बोलिए सी एल एफ में से एक साथ कॉलेज में अध्ययन रत्न है कॉलेज में एक साथ ही सब पढ़ता पढ़ती है कार में बैठने से उसको क्या लेना देना इस बात का कोई मतलब है इस बात से अब अगर रहता है सी एल एफ एक ही कॉलेज पुरुष कॉलेज में पढ़ते हैं या महिला कॉलेज में पढ़ते हैं तो पता चल जाता पुरुष कॉलेज में पुरुष पढ़ता है महिला कॉलेज में महिला पढ़ती है खाली कॉलेज में पढ़ता है इससे पुरुष और स्त्री क्लियर नहीं हो रहा है एन निम्नलिखित में से किस कार में तो हो गया था निम्नलिखित में से कितने व्यक्ति स्थान ई की ओर जा रहे हैं की ओर कितने व्यक्ति जा रहे हैं एक दो तीन गो ऑप्शन सी निम्नलिखित में से किस कार में सबसे अधिक महिला या, मित्र यात्रा करती है पता नहीं ये बात इसलिए इनमें से कोई नहीं मिटा दें इसको लिखना था किसी को सेवा है अभी उपलब्ध है पचास छात्रों की एक कक्षा में अठारह छात्र ने साहित्य छब्बीस छात्र ने भाषा दो छात्र साहित्य तथा भाषा दोनों अठारह में से दो गया तो सोलह छब्बीस में से दो गया चौबीस सोलह और चौबीस चालीस चालीस और दो बयालीस परसेंटेज इधर न उधर थोड़े है अठारह दो बीस बीस और छब्बीस कभी तो नहीं आठ गो इधर साइड में अपना परा हुआ कुछ और कर रहा है, चलिए केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या कक्षा के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है सोलह जो है कितना प्रतिशत बत्तीस प्रतिशत है एक सौ सो में सोलह तो, तो पचास में कितना बत्तीस अट्ठाईस नंबर कितने छात्रों ने एक ही विषय में नामांकन कराया है सोलह और चौबीस चालीस ऑप्शन दो नंबर कक्षा के कितने छात्रों ने साहित्य या भाषा में नामांकन नहीं कराया है आठ गो ऑप्शन तीन नंबर तो चलिए बाबू आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जय हिंद और एक नंबर की दो नंबर क्वेश्चन में किसी किसी को प्रॉब्लम है वो आप बोल लीजिए अपना जल्दी बोलिए पीछे से दो नंबर में आपको प्रॉब्लम था कुछ बोलिए आगे आइए जल्दी बोलिए आप हाँ परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने के लिए विषय का बुनियादी ज्ञान छात्र के लिए मौँ बहुत महत्वपूर्ण होता है रूबी राय को पहचानते हैं नहीं एक्सेप्शन केस से हमको कोई मतलब नहीं है सिचुएशन तो वही हुआ ना हाँ जनरल व्यू देखा जाता है जनरली केस तो बाबू फिर उत्पन्न होता है ना वो नहीं नहीं नहीं, नहीं एक्सेप्शन के चलते नहीं वो हाईलाइट हो चुका है इंटरव्यू हो चुका आपको क्या लगता है जितना घोटाला पकड़ा गया है या जितना घोला घोटाला हाईलाइटेड है उतने तो घोटाला हुआ है घोटाला और भी होता है घोटाला और भी होता है ना लेकिन जितना का जानकारी हो पाया या कर पाया जिस पर आदमी लग गया तो उसका पता चल गया तो फिर वही बात यहां पर भी हो रहा है ना